हेलो नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते 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 नमस्कार 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 नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते मनीषा विजय जी नमस्कार नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सर। चलिए बहुत गुड इवनिंग सर। आज लगता है प्रेजेंस पूरी है। विकास नमस्कार, ठीक हो? नमस्ते गुरु जी। ठीक हूँ गुरु जी। नमस्कार नमस्कार। चलिए बहुत अच्छी बात है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अच्छा आप अब चूंकि हम लोग थोड़ा सा पहुंच चुके हैं। सुमन जी नमस्कार, अनम्यूट कर लीजिए। सुमन जी आप अपने आप को। हाँ नमस्कार सर जी। नमस्कार नमस्कार। अब क्योंकि हम लोग बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं प्रेडिक्शंस के, जब हम शुरू करने वाले हैं एक दो क्लास के अंदर, तो बहुत जरूरी है कि आप लोग कम से कम मोबाइल पे अपने एक कुंडली बनाने का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए। आता है, एस्ट्रोसेज के नाम से आता है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। काफी कुछ सही है वो, थोड़ा डिविजनल चार्ट्स में तो गड़बड़ करता है जरा सा, लेकिन बाकी कुंडली जहां तक आप लोगों को अभी सीखा है, आपने D1 चार्ट सीखा है, उसके लिए कोई बुराई नहीं है उसके अंदर। उसको आप कर सकते हैं उसको इंस्टॉल से। D1 चार्ट कौन सा हुआ? D1 चार्ट जो जन्म कुंडली आपका है, ये वाला, ये अच्छा, दैट इज कॉल्ड D1 चार्ट। D1 चार्ट कहलाता है। आगे जो वर्क चार्ट होंगे वो अलग कहलाएंगे, D9 चार्ट कहलाएंगे, D7 कहलाएंगे, D10 कहलाएंगे, वो अलग कहलाएंगे, वो आगे पढ़ाएंगे वर्क चार्ट आपको। ये D1 चार्ट जो है, लग्न कुंडली वाला चार्ट, ये D1 चार्ट कहलाता है। राकेश जी आपकी बात होगी सॉफ्टवेयर वाले से। हाँ सॉफ्टवेयर वाले से मेरी बात तो हुई है, क्या नाम है शंकर जी, लेकिन उसका ये कहना है कि सब मुझे कोई आप आई विल बी एबल टू गिव डिस्काउंट ओनली अगर आप मुझे कुछ मिनिमम गारंटी देते हो कि भाई कितने लोग लेंगे उसको, क्योंकि सॉफ्टवेयर वो थोड़ा कॉस्टली है, उसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ प्रोफेशनल वर्जन ऑफ कॉस्टली है। कॉस्टली बहुत है हाँ वो है। तो इसके जगह पे अभी फिलहाल वो वाली देखने वाली बात है। सर सर जी सॉरी, सब आपको मैंने बीच में इंटरप्ट किया कोई सर। बात नहीं, कोई बात नहीं। सर मैंने इंस्टॉल करवाया है, किसी को बुलवाया था टेक्निकल वाले को, हाँ तो एज पर टू हिम उसने जो डाला है पायरेटेड डाला है, अच्छा तो वो ठीक काम कर रहा है सर। उसके हिसाब से उसमें कोई चेंजेस नहीं है। मैंने जो रिसर्च करी थी यूट्यूब पे सर, हाँ तो जो ये है आपका जो करंट वाला जो चल रहा होगा ना इनका सॉफ्टवेयर सर हाँ हाँ कंपनी का, उसका हाँ मतलब जैसे उन्होंने कहीं पे निकाला कोई हॉरोस्कोप निकाला, हमने हाँ इस पे निकाला, तो उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं आया। मतलब फर्क था ही नहीं, अच्छा। तो देर ये वॉज नथिंग। पाराशर लाइट वाला है आपके पास? जी, वो मैंने उससे इंस्टॉल करवा लिया था सर। तो ये कुछ लिंक वगैरह आप बाकी लोगों को शेयर कर सकते हैं कि अगर हो जाए तो? हाँ जी, मैं उनसे बात करवा दूंगा सर, आप जैसे कहेंगे। तो वो उसको मैंने बोला था, तो हाँ ये इनके मैं वहां से करो, अगर ये कहेंगे तो उस पर टीम व्यूअर पे लेके ना, तो उस पर करवा देंगे सर। हाँ वो करवा लीजिए। वो तो बहुत, मतलब कितना चार्जेस लिए उसने? सर जान पहचान वाला था तो मैंने तो कुछ ज्यादा उसको दिए नहीं, मतलब वो जो भी है 500 रुपीज दे दिए थे, उस हिसाब से हुआ अच्छा था टच अच्छा से। अच्छा ठीक है ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोग करा सकते हैं अगर पायरेटेड ये मिल रहा है आपको बढ़िया। सर ओरिजिनल ओरिजिनल कितने में मिलता है? ओरिजिनल का अप्रोक्स क्या चार्ज रहता है? का करीब 25 के आसपास आता ओके है। एंड फिर उसमें कोई चेंजेस वगैरह होते हैं तो? अगर चेंजेस वगैरह होते हैं तो वो अपग्रेडेशन भेजते रहते हैं, लेकिन उसके वो लेते हैं थोड़े बहुत चार्ज लेते हैं, 2,000 3,000 रुपये लेते हैं, लेकिन अपडेट करते रहते हैं उसको वो लोग। लेकिन पायरेटेड को अपडेट नहीं कर पाएंगे। पायरेटेड को बस ये है, खाली अपडेट नहीं कर पाएंगे, पर पायरेटेड सॉफ्टवेयर चलता है, अच्छा चलता है, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। मैंने भी देखा है मेरे साथियों पे, कुछ लोगों पे पायरेटेड है, तो कहीं कहीं थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, अदरवाइज डिफरेंस आता नहीं है सर उसके अंदर। कॉस्ट वाइज तो इट्स अ ह्यूज डिफरेंस सर। कौन से वाले में? मतलब ये तो ये बोल रहे हैं 500 समथिंग हाँ। एंड यू आर सेइंग 25। हाँ। पायरेटेड वाला तो आपको मार्केट में, जैसे इन्होंने तो इंस्टॉल करा लिया, अगर मार्केट में जाओ तो नेहरू प्लेस वगैरह में तो वो मेरे ख्याल 1,500 2,000 के अंदर दे देते हैं पायरेटेड वाला। उसको लेके आप सारे कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लो, जितने भी कंप्यूटर में करना चाहो। सर व्हाट इज योर एडवाइस वी हैव टू डू फॉर दिस? नहीं, मेरे हिसाब से कि अभी आप प्रोफेशनल पे मत जाइए, क्योंकि थोड़ा कॉस्टली भी है, और अभी थोड़ा आप अभी D1 चार्ट ही सीख रहे हैं। जब थोड़ा सा एडवांस आप चलेंगे तब उसको लीजिएगा। अभी आप पायरेटेड वाला इस्तेमाल कर लीजिए, वो अच्छा है,
और लैपटॉप पे, और जिनके पास लैपटॉप नहीं है तो वो मोबाइल पे एस्ट्रोसेज के नाम से है, वो डाल सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन एस्ट्रोसेज में गलती काफी आती है, वो मैंने देखा है अक्सर सर। लेकिन हिंदू पंचांग भी अच्छा आता है। हाँ, हिंदू पंचांग का भी अच्छा आता है, उसमें महादशा वगैरह भी बहुत अच्छे से आती है सर। हाँ, तो वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, अपने पास वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। और एक कुंडली ऐप करके भी है ना, उसमें सब आता है, D1 से लेके सब, गुलिक काल से लेके सब आता है। कौन सा वाला बता रही है? कुंडली करके आता है ये, मोबाइल पर भी? मोबाइल मोबाइल में है वो करने का रहता। अच्छा। है फ्री वो एप्लीकेशन। हाँ हाँ, तो अच्छा है, सबको थोड़ा बता दीजिए तो बढ़िया है, सब लोग। मैं लिंक शेयर कर दूंगी ग्रुप में ना, वो फॉर द टाइमिंग चल जाएगा ना सर, अभी इतने कोई एक्सपर्ट हुए नहीं है सब लोग। ओके, बिल्कुल 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 चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। एक वैदिक ऋषि का प्ले स्टोर पे ऐप है बड़ा अच्छा, पर वो ऑनलाइन चलता है और उसकी अच्छी एक्यूरेसी। वैदिक ऋषि का उसका नाम है कुंडली। अच्छा, मैं उसका कुंडली वाला सॉफ्टवेयर भी है मेरे पास सर। वो कुंडली वाला सॉफ्टवेयर भी है मेरे पास, मैंने लिए थे, एक कुंडली का लिया था, एक और सॉफ्टवेयर लिया था। ये एंड्रॉइड पे प्ले स्टोर पे है, फ्री। अच्छा, प्ले स्टोर पे है। अच्छा अच्छा, और उसमें काफी कुछ है, उसमें योगिनी दशाएं भी है। हाँ ठीक है, मतलब आप लोग लिंक शेयर कर दीजिए। मेरा कहने का मतलब शायद है कि मैं भी बोल रही हूँ वही होगा कुंडली ऐप, वही है जो ये बोल रहे हैं। कुंडली ऐप बहुत सारे हैं, पर वैदिक ऋषि का सबसे अच्छा। अच्छा, मैं भी शेयर करूंगी ग्रुप में, आप भी शेयर कीजिएगा तो पता चल जाएगा। मेरे मतलब ये है कि जिसपे फोन है तो वो तो ये कर लीजिए, और जिनपे लैपटॉप वगैरह है तो वो अगर पाराशा लाइट कर सके पायरेटेड वाला तो देट इज द बेस्ट। ओके सर, पायरेटेड वाला कर लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो वो चलेगा सर। इसमें हाँ। एक ही बेनिफिट जो मुझे लग रहा है सर, वो ये रहेगा, जैसे आप जो पढ़ाएंगे ना सर, हाँ, वो आप उसी पे पढ़ाएंगे मेरे ख्याल से। मैं पाराशा लाइट भी पढ़ूंगा सर। हाँ, तो वो फिर सर मिसमैच होने वाली बात हो जाएगी। हाँ, थोड़ा सा ये रहता है, क्योंकि जब प्रोफेशनल उस हिसाब से जाएंगे तो वो सामने वही जो आपके पास चले वही हमारे पास चले, मतलब इन टर्म्स ऑफ वो सेम आ जाएगा ना, दिमाग कनेक्ट हो जाता है सर। और दूसरा कोई चार्ट पे अगर क्वेरी रही तो आपको पूछ सकते हैं सर। हाँ, वो चक्कर ठीक है सर, नहीं तो फिर ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा। और जो ये जो है ना सर मोबाइल वाले, मुझे पता नहीं अभी सर जो बता रहे थे, थोड़ी मुझे नाम नहीं पता उनका, उसमें अगर तो पेड वाला लेते हैं, मतलब वो भी मेरे ख्याल से मंथली भी है किसी का वन टाइम भी पेज है, ऐसे महंगे हैं वो भी, कॉस्टली हैं सर। तो अगर उसमें सारा फिर आती है, इन जनरल वाले में तो वो एक मेरे ख्याल से वो लगन कुंडली बन जाती है सर, और जो हॉरोस्कोप बन जाता है वो ही रहता है, और थोड़े बहुत मेरे ख्याल से विमशोत्री जैसे आपने बताया था सर, वो ही रहती है। नहीं, मेरे हिसाब से तो सर, अगर सब लोगों पे देखो लैपटॉप है तब तो पाराशा लाइट का पायरेटेड वाला ले लीजिए, वो बेस्ट है, उससे अच्छा कोई नहीं है। गुरुजी, अगर लैपटॉप नहीं है तो पाराशा लाइट को करना मुश्किल होगा मोबाइल के ऊपर। हाँ बोलो बोलो। गुरुजी, मैं देखा हूँ मोबाइल में जितना भी सॉफ्टवेयर है, जब कोई ग्रह 29 डिग्री समथिंग में रहता है, हाँ, अगर कोई मतलब लगन संधि में रहता है तो वहाँ पे दिक्कत ज्यादा आता है। हाँ वही प्रॉब्लम होती है अक्सर, क्या होता है जो ये पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स हैं, ये वही संधि वाले पे ग्रह पे गड़बड़ कर जाते हैं, बाकी तो ठीक रहता है गुरुजी। लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा, माइनर डिफरेंस, वो कमी चांसेस होते हैं उसके, लेकिन अगर आप सॉफ्टवेयर पायरेटेड वाला ले लेते हैं तो बेस्ट है, आप ले लीजिए इसको, कर लीजिए। मेरा मतलब सॉफ्टवेयर आप लोग डाल लीजिए, टाइम आ गया है डालने का। तो आज हम लोग शुरू करते हैं, आज हम लोग पढ़ाएंगे कि कुंडली के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट ग्रह, कौन से ग्रह ऐसे होते हैं जो कुंडली के हिसाब से योग कारक होते हैं, कौन से ग्रह ऐसे होते हैं जो कुंडली के हिसाब से अशुभ होते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद अभी आप लोगों को याद करना, अगर ये एक बार याद हो गया तो बहुत कुछ आप समझ लिए कि याद कर लिया आपने, इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है, इसके लिए बाकायदा फार्मूला है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम लोग शुरू करते हैं आज कि कौन से ग्रह किसी कुंडली के लिए योग कारक होते हैं, कौन से ग्रह किसी कुंडली के लिए अशुभ होते हैं। तो देखिए, कुंडली के अंदर बहुत सारे भाव होते हैं, 1 से लेकर 12 तक कुंडली के अंदर भाव होते हैं। अब उसमें जो अच्छे भाव होते हैं, जिनको शुभ भाव हम लोग बोलते हैं, अच्छे वाले भाव बोलते हैं, उनको हमने बताया था कि आपको त्रिकोण वाले भाव जो है
वो हमारे अच्छे वाले भाग होते हैं। मैं आपको एक बार वो दिखा देता हूँ प्रेजेंटेशन। सर पीछे से आवाज आ रही। हाँ थोड़ा म्यूट कर लीजिए आप लोग अपना अपना आवाज म्यूट कर लीजिए। तो आज हम पढ़ाएंगे इसके अंदर के सभी लग्नों के लिए, जितने भी लग्न की कुंडलियां होती हैं, चाहे वो मेष लग्न वाली हो वृष लग्न वाली हो, क्योंकि आपके पास जो कुंडली आएगी वो कोई ना कोई लग्न की तो होगी होगी, तो उस लग्न की कुंडली में आप कैसे डिसाइड करेंगे कौन से ग्रह ऐसे हैं जो आपको फायदा देने वाले हैं और कौन से ग्रह ऐसे हैं जो आपके लिए नुकसान करने वाले हैं, कौन से ग्रहों की दशा में आपको फायदा मिलेगा कौन से ग्रहों की दशा में आपको नुकसान मिलेगा, तो वो याद रखना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए डटने वाला कोई सिद्धांत नहीं है, वो आपको एक फार्मूला है उसका एक प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल अगर आपको याद हो गया तो आप हर लग्न कुंडली के लिए वो निकाल सकते हैं। तो मैं आपको आज वही बताने जा रहा हूं कि कैसे हम लोग निकालते हैं कुंडली के लिए योग कारक ग्रह या कोई अशुभ ग्रह है उसके लिए। जैसे कुंडली में कई मैंने बताया कि एक से लेकर 12 भाव तक होते हैं, तो जो 1, 5, 9 भाव होता है, पहला पांचवा और नवा, वो भाव त्रिकोण का भाव कहलाता है, उसको हम लोग शुभ बोलते हैं, और उसके जो लॉर्ड होते हैं उसके जो स्वामी होते हैं वो हमेशा शुभ ग्रह होते हैं। त्रिकोण भाव में जो भी बैठे या त्रिकोण भाव का जो भी स्वामी हो वो हमेशा आपको अच्छा रिजल्ट देगा, त्रिकोण भाव का स्वामी आपको हमेशा अच्छा रिजल्ट देगा, ये आप याद रखिए कि त्रिकोण भाव के स्वामी हमेशा शुभ होते हैं, जो 1, 5, 9, 3 भाव है ये वाले। फिर इसके बाद में आता है 3, 6, 11 भाव, 3, 6, 11 भाव को बोलते हैं त्रिष्ठाय भाव, त्रिष्ठाय 3, 6, 11, तो 3, 6, 11 वाले भाव जो होते हैं ये अशुभ कहलाते हैं, इनके स्वामी शुभ नहीं होते कुंडली में। जैसे मैंने बताया कि 1, 5, 9 के स्वामी शुभ होते हैं, ऐसी 3, 6, 11 वाले भावों के स्वामी शुभ नहीं होते कुंडली में, उनको अशुभ माना जाता है। हालांकि आगे इसमें थोड़ा से अपवाद है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, पर अभी आप ये मान के चलिए कि 3, 6, 11 भाव के स्वामी जो होते हैं वो अशुभ कहलाते हैं। उसके बाद आता है 4, 7, 10 बचा, हमारा जो केंद्र भाव बचे हमारे, जैसे मैंने बताया था आपको त्रिकोण हमारा 1, 5, 9 हो गया, केंद्र हमारा 4, 7, 10 हो गया, तो केंद्र भाव हमारे जो बचे उसमें दो चीजें होती हैं। उसमें क्या है, अगर केंद्र भाव के स्वामी शुभ ग्रह हैं, शुभ ग्रह मीन्स नैसर्गिक शुभ ग्रह, जैसे मैंने आपको नैसर्गिक शुभ ग्रह पढ़ाए हैं कि गुरु शुक्र चंद्रमा और बुध नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, और बाकी जो है नैसर्गिक अशुभ ग्रह कौन से हैं हमारे, वो शनि है, मंगल है, सूर्य है, ऐसे ग्रह राहु केतु हैं, ये सब नैसर्गिक अशुभ ग्रह हैं। तो यदि केंद्र का स्वामी कोई आपका नैसर्गिक शुभ ग्रह है तो वो उसमें पापत्व आ जाता है, वो पापी बन जाता है, वो अशुभ हो जाता है। और केंद्र का स्वामी अगर कोई पाप ग्रह है, जो नैसर्गिक पाप ग्रह है, देखिए नैसर्गिक पाप ग्रह का मतलब थोड़ा समझिए कि जो नेचुरल रूप से पाप ग्रह है, मैं आपको एक मिनट ये दिखा देता हूं, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। देखिए ये सॉरी ये पीछे चला गया, जैसे यहां देखिए इस कुंडली के अंदर, इस कुंडली में केंद्र का स्वामी कौन बनता है, खैर यहां तो ये केंद्र का स्वामी आपका 3 राशि नंबर केंद्र में है, 6 नंबर राशि केंद्र में है, 9 नंबर राशि केंद्र में है, 3 राशि केंद्र के हैं अंदर, इसके अंदर 4, 7 और 10 भावों में। अच्छा अभी जो पीछे मैंने पढ़ाया आपको 1, 5 और 9 भावों का स्वामी जो होते हैं वो शुभ होते हैं, तो पहला भाव कौन सा है, ये वाला भाव है, तो पहले भाव का स्वामी कौन बना, गुरु बना, तो गुरु कुंडली के लिए इस कुंडली के लिए गुरु शुभ है। ये मीन लगन की कुंडली है, ये देख लीजिए मीन लगन की कुंडली है, मीन लगन की कुंडली में गुरु हमारा शुभ आ गया, तो पहले हमने ये निकाल लिया। फिर हमने कहा कि 3, 6 और 11 भावों के स्वामी अशुभ होते हैं, तो तीसरा भाव जो हमारा पड़ता है जिसमें 2 नंबर राशि आती है उसको स्वामी कौन मिलता पड़ता है, शुक्र पड़ता है, तो इसका मतलब शुक्र इस कुंडली के लिए योग कारक ग्रह या शुभ ग्रह नहीं है, ठीक है। छठा भाव का स्वामी कौन हुआ, छठा भाव का स्वामी हमारा सूर्य हुआ, ये सूर्य पड़ता है छठे भाव का स्वामी, क्योंकि छठे भाव में सिंह राशि है, तो छठे भाव का स्वामी सूर्य हमारा ये इस कुंडली के लिए शुभ ग्रह नहीं हुआ।
ग्यारहवें भाव का स्वामी, ग्यारहवें भाव में कौन पड़ता है? दस नंबर राशि है ग्यारहवें भाव में, मंगल। दस नंबर राशि का स्वामी होता है शनि, शनि। तो शनि इस कुंडली के लिए शुभ ग्रह नहीं बनता है। तो ऐसे आपको देखना है तो कि 1, 5, 9 के स्वामी जो होंगे वो हमेशा शुभ बनेंगे, 3, 6, 11 के स्वामी अशुभ रहते हैं, और 4, 7, 10 भावों के स्वामी अगर पाप ग्रह हो, पाप ग्रह मीन्स नैसर्गिक रूप से पापी हो, तो वो शुभ बन जाएंगे, और नैसर्गिक रूप से अगर शुभ हो तो वो पापी बन जाएंगे। ये केंद्र के लिए आपको ध्यान रखना है, केंद्र में ही अपोजिट हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं केंद्राधिपति दोष। केंद्र का स्वामी होने पे केंद्राधिपति दोष लग जाता है, जिसकी वजह से जो पाप ग्रह होते हैं वो शुभ रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं, और शुभ ग्रह जो है वो पाप रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। अगर इन ग्रहों में मतलब राहु केतु भी हो तो भी शुभ फल देंगे? राहु केतु को तो, क्योंकि राहु केतु तो मैडम, राहु केतु का तो आपको किसी भाव का स्वामित्व होता नहीं ना उनका, तो इसलिए वो तो केंद्र के स्वामी होंगे ही नहीं, क्योंकि उनकी तो राशि नहीं होती है, उनकी तो राशि नहीं होती। ओके, राशि नहीं है इसलिए दे आर नॉट देयर। हाँ, तो राशि नहीं है उनकी, इसलिए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिनकी राशि है केंद्र में, उसके स्वामी जो हो गए, अगर वो शुभ ग्रह है तो पाप, अगर पापी ग्रह है तो वो अशुभ रिजल्ट देगा, वो शुभ रिजल्ट देगा। इसके तो सर, पापी ग्रह होने से वो नुकसान करेंगे मतलब? हाँ, पापी ग्रह अगर, नहीं 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 एक सेकंड देखिए, केंद्र में जो 4, 7, 10 तीन भाव है, इसका स्पेशली याद रखिए। पहले तो ये याद रखिए कि नैसर्गिक पाप, नैसर्गिक पापी और नैसर्गिक शुभ ग्रह कौन से हैं। नैसर्गिक शुभ ग्रह हमारे, मैंने बताए थे आपको कि गुरु, शुक्र, चंद्रमा और बुध हैं। और नैसर्गिक पापी ग्रह हमारे जो हैं वो शनि, मंगल, सूर्य, राहु, केतु हैं। तो ये तो नैसर्गिक हो गया, नैसर्गिक शुभ और नैसर्गिक पापी ग्रह हो गए हमारे। अब इसमें केंद्र के स्वामियों में ये खास बात है कि अगर केंद्र का स्वामी कोई नैसर्गिक शुभ ग्रह है, यानी कि चंद्रमा है या बुध है या गुरु है या शुक्र है, तो उसके अंदर पापत्व आ जाएगा, वो अशुभ रिजल्ट देगा। अगर केंद्र का स्वामी गुरु हो गया, केंद्र का स्वामी शुक्र हो गया, केंद्र का स्वामी चंद्रमा या बुध हुए, तो वो अशुभ रिजल्ट देंगे। और अगर केंद्र का स्वामी शनि होता है, सूर्य होता है, मंगल होता है, तो वो रिजल्ट प्लस में देंगे, पॉजिटिव रिजल्ट देंगे वो आपको, क्योंकि केंद्र के स्वामी जो पाप वाले सब ग्रह होते हैं वो शुभ बन जाते हैं उस कुंडली के लिए। तो हमें हर कुंडली में ये ध्यान रखना है कि केंद्र का स्वामी कौन है या नहीं है। अब जैसे इस कुंडली में आप देखिए, ये कुंडली आपके सामने खुली हुई है, पाइसिस लगनी कुंडली खुली हुई है, यहाँ पे केंद्र में कौन कौन सी राशि है, 3 नंबर राशि भी केंद्र में है, 6 नंबर राशि भी केंद्र में है। तो 6 नंबर राशि केंद्र में है, तो इसका 6 नंबर राशि का कौन होता है? बुध। बुध। और 3 नंबर राशि का? बुध। बुध होता है। तो इसका मतलब बुध जो है यहाँ पे केंद्राधिपति हुआ। केंद्राधिपति मीन्स केंद्र का अधिपति, केंद्र का राज, केंद्र का लॉर्ड हुआ बुध यहाँ पे, कि बुध के पास केंद्र के भाव आ गए। तो जब बुध केंद्र का लॉर्ड यहाँ पे हुआ तो बुध के अंदर अशुभता आ जाएगी, तो बुध इस कुंडली के लिए अशुभ ग्रह बन जाएगा। समझ आया ये? सर एक बात पूछनी है। हाँ, जैसे मेरी कुंडली धनु लग्न की है, हाँ, और दूसरा भाव हो गया शनि का, दूसरा और तीसरा 10, 11, और मेरा शनि बैठा है 4 नंबर चौथे हाउस में, तो वो अशुभ होगा कि शुभ होगा? देखिए शनि कुंडली के हिसाब से, अभी अभी दरअसल मैंने पोजीशन के हिसाब से नहीं बताया आपको, अच्छा ठीक, लेकिन लगन कुंडली के हिसाब से शनि आपका शुभ नहीं है, क्योंकि उसका दूसरा भाव है और तीसरा भाव है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ना। तो लगन कुंडली के हिसाब से वो शुभ नहीं बनता। अच्छा, ग्रह को नहीं देखना? हाँ, कहाँ प्लेस्ड है? अभी प्लेस वाला नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, अभी बता रहा हूँ कि किसी लगन कुंडली के लिए कौन से ग्रह शुभ होते हैं, कौन से ग्रह अशुभ होते हैं, ठीक है, किसी भी लगन कुंडली के लिए। तो अभी जैसे हम ये लोग एग्जाम्पल देख रहे थे कि 12 नंबर कुंडली के लिए हम देख रहे हैं, तो ये आप समझ आया कि बुध चंद्रमा जो आपका बुध है, जिसके पास चौथा भाव है, जिसके पास 7वां भाव है, इसका स्वामी होने से बुध इसके अंदर, बुध के अंदर पापत्व आ जाएगा, और बुध इस कुंडली के लिए अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। मतलब यू मीन टू से कि सिर्फ राशि जो पड़ी उसका जो लॉर्ड होगा, राशि जो पड़ी है उसका लॉर्ड जो होगा, लॉर्ड अपने को जो ग्रह पड़े उनको अभी उनको नहीं देखना, उनको नहीं देखना आपने। ओके, मतलब कहने के लिए अगर आपके सामने खाली 12 नंबर
लगन की कुंडली पड़ी हुई है, 12, 1, 2, 3, 4, 5 लिखा हुआ है और ग्रह ये नहीं लिखे हुए हैं, आपसे पूछे भाई बताइए मीन लगन के लिए कौन से ग्रह अच्छे होंगे कौन से ग्रह बुरे होंगे, तो आपको ये डिसाइड करना है इस फॉर्मूले से। पर सर क्या ये जरूरी है कि जैसे ये 4, 7 और 10 का जो नैसर्गिक शुभ है, हाँ, ये तो अपोजिट हो गया ना, फिर वो तो अशुभ हो गए, अशुभ हो गए, तो उनकी प्लेसमेंट के हिसाब से वो शुभ फल भी दे सकते हैं? नहीं नहीं, प्लेसमेंट के हिसाब से वो शुभ फल नहीं देंगे, वो अशुभ हो गए तो अशुभ हो गए। अच्छा जी, मतलब वो जब भी उनकी टाइम आएगा वो अशुभ अपना नेगेटिव देंगे। उसका 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 एक क्या नाम है तरीका होता है, आगे केंद्राधिपति दोष लगता है ना, क्योंकि मैंने जो बताया आपको कि शुभ ग्रहों पे केंद्राधिपति दोष लगता है, केंद्र के अधिपति होने में शुभ ग्रहों के अंदर दोष आ जाता है, जिसकी वजह से वो पाप रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं, अशुभ रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। तो उसका एक केंद्राधिपति दोष का एक भंग भी है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, तब उससे आपको पता चलेगा कि केंद्र का दोष, केंद्र का वो होने के बाद भी कई बार ग्रह शुभ रिजल्ट दे देता है। लेकिन अभी ये मान के चलिए कि केंद्र का ग्रह अगर कोई शुभ ग्रह है केंद्र का स्वामी, तो वो आपको अशुभ रिजल्ट देगा ही देगा। और सर एक बार बताएंगे, हाँ सर एक बार बताएंगे, इसमें आपने केंद्राधिपति कैसे निकाला था, एक बार समझ नहीं आया पूरा। केंद्र का देखिए, केंद्र में क्या, केंद्र के कौन से भाव बताए मैंने आपको, 4, 7 और 10, तो चौथा भाव ये वाला हो गया आपका, तीसरा, एक दो तीन चार, हाँ तीस का, इसका बुध हो गया स्वामी, हाँ इसका बुध हो गया, सातवां भाव हमारा केंद्र वाला भाव हो गया, अच्छा इसका भी बुध हो गया, इसका बुध हो गया, तो एक तो बुध को दोष लग गया, ठीक है ना, केंद्राधि दोष लग गया, तो बुध जो है अच्छा ग्रह नहीं बना इसके लिए, ठीक है। एक केंद्र का स्वामी, ये 9 नंबर जुपिटर बृहस्पति, बृहस्पति ये भी अशुभ हो गया, ठीक है ना। लेकिन बृहस्पति के लिए एक अपवाद है, वो बताऊंगा मैं आपको, बृहस्पति चूंकि लगन का मालिक भी है, हाँ चूंकि लगन का भी मालिक बृहस्पति है, तो लगन का जो स्वामी होता है वो कभी अशुभ नहीं होता, ये ध्यान रखिए, ये वन लाइन फार्मूला है कि लगन का स्वामी जो होगा वो कभी अशुभ नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे केंद्राधिपति दोष जो लगा है वो बुध को लगा है, ठीक है अनुपम। यस सर, लेकिन अगर कोई और कुंडली है जिसमें मान लीजिए तीनों जो केंद्राधि मतलब ये 4, 7 और 10 में है, इसमें हाँ, तीन डिफरेंट स्वामी निकल के आते हैं, हाँ, तो उसमें केंद्राधिपति फिर तीनों होंगे, कैसे निकालेंगे उसमें फिर? देखो अभी सब आपके सामने आएगा, देखते जाओ, जी, जी, जी। अभी सब आपके सामने आएगा, अभी मतलब ये समझ लो कि कैसे ये करना है ना, केंद्र भाव तो आप जानते हो ना, 4, 7, 10, ठीक है, समझ, हाँ, ये तो समझ में आ गया, बस ठीक है, तो आगे चलते हैं। गुरु जी, हाँ बोलिए। केंद्र में दोनों भाव का स्वामी केंद्राधिपति लगता है ना? नहीं 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 नहीं, केंद्र में दोनों भाव के स्वामी नहीं, केंद्र में अगर इवन एक भाव का स्वामी भी है तो भी केंद्राधिपति दोष लगता है। लघु पाराशरी के अंदर बृहत पाराशर और शास्त्र में साफ साफ लिखा गया है कि केंद्र के स्वामी होने से वो लगता है, उसमें कहीं ये नहीं लिखा गया श्लोक के अंदर कि केंद्र में उसकी दोनों राशियां होनी चाहिए, इसलिए उससे कंफ्यूज कभी मत करना। केंद्र में अगर कोई भी राशि, एक राशि भी है किसी ग्रह की, तो वो भी केंद्र का स्वामी माना जाएगा। हाँ, तो वो केंद्र में बैठने से एक भाव का स्वामी होगा और वो केंद्र में बैठेगा, उसमें भी लग जाएगा ना? यस यस। नहीं, दोनों का नहीं, किसी एक भी भाव का होगा तो भी लग जाएगा उसको, ठीक है, ये याद रखिए आप, हाँ, तो, क्योंकि मुझे कुछ कुछ आपके दिमाग से ना मिसकंसेप्शन है वो भी निकालनी है धीरे धीरे, तो अच्छा है आप पूछ लेते हो तो बढ़िया है। एक राशि भी अगर किसी ग्रह की है तो भी केंद्राधिपति दोष लगेगा। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई समझ में प्रॉब्लम है? मनीषा जी, आपको समझ आ रहा है? जी सर, समझ में आ रहा है ठीक से? हाँ जी। सर, किसी की एक राशि लगन की ही हुई सिर्फ, हाँ, तो वो कभी भी अशुभ नहीं होएगा, लगन तो कभी अशुभ नहीं होगा, कभी अशुभ नहीं होगा, लगन वाला स्वामी जो है वो कभी अशुभ नहीं होगा। और अगर 4, 7, 10 में कोई एक राशि बैठगी किसी भी चीज की, चाहे मान लीजिए सूर्य, ये लियो बैठ गया सर, चाहे कर्क बैठ गया, हाँ, तो वो भी अशुभ हो जाएंगे, वो अशुभ हो जाएंगे, ठीक है सर, ठीक है। ये अभी सारी कुंडली में आपको 12 लगन की करवाऊंगा, हम दो सब लोग मिलकर आपस में वो फल वो निकालेंगे, कौन से लगन का कौन शुभ ग्रह है कौन अशुभ ग्रह है वो भी निकालेंगे 12 लगन का। अभी तो मैंने आपको बताया है कि ये चीज आपको ऐसे याद रखनी है। दूसरा चीज जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि आठवां भाव जो होता है वो हमेशा अशुभ होता है, आठवें भाव का स्वामी हमेशा डेंजरस होगा, वो तो ध्यान रख लीजिए कुंडली में, वो जहां बैठेगा
उसका नुकसान करेगा। तो आठवां भाव हमेशा अशुभ भाव है, इसको रंध्र भाव भी बोलते हैं, इसको छिद्र भाव भी बोलते हैं, और इसका स्वामी जहां बैठेगा वो हमेशा नुकसान करेगा आठवें भाव का स्वामी। इसलिए आठवां भाव बिना किसी उसके ये अशुभ भाव कहलाता है, पाप भाव कहलाता है। तो आठवें भाव का स्वामी जो होगा वो हमेशा अशुभ ही होगा, वो शुभ हो ही नहीं सकता। एक्सेप्ट सूर्य और चंद्रमा, ये लिख लीजिए आप इसके अंदर, सिर्फ सूर्य और चंद्रमा अगर आठवें भाव के स्वामी हो तो उनको आठवें भाव का स्वामी होने का दोष नहीं लगता, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा की एक ही राशि होती है। सूर्य के पास सिंपली 5 नंबर राशि है, चंद्रमा के पास सिंपली 4 नंबर राशि है, बाकी ग्रहों पर तो दो दो राशियां हैं। इवन चाहे गुरु हो वो भी पाप ग्रह, मतलब वो भी बिल्कुल, अगर गुरु भी स्वामी हो आठवें भाव का हाँ। तो वो भी पाप ग्रह हो गया। आठवें भाव का स्वामी जो भी होगा वो पाप ग्रह होगा, ये आप ध्यान रखिए। अच्छा, इसके बाद आते हैं दूसरा और 12 भाव हमारा बचा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना है। दूसरा 12वां भाव, ये मैं आपको वैसे एग्जाम्पल चार्ट जब आएगा उसके अंदर बताऊंगा। दूसरे और 12वें भाव में थोड़ा सा एक नियम लगता है जो आपका लघु पाराशरी में मेंशन्ड है, जिन्होंने पढ़ी हो, साहचर्य का नियम बोलते हैं उसको। उस नियम के हिसाब से क्या है कि दूसरे और 12वें भाव के स्वामी जो होते हैं उनको स्टेटसलेस बोला जाता है, कि भाई तुम्हारा कोई स्टेटस नहीं है, और उनसे उनके उनका ये रिजल्ट होता है कि जिस ग्रह के साथ होंगे उस ग्रह के हिसाब से रिजल्ट करेंगे, वो जिस भी ग्रह के साथ होंगे उस ग्रह के हिसाब से रिजल्ट करेंगे। अगर कोई ग्रह उनके साथ में ना हो तब क्या होगा, ये आगे दिखाऊंगा मैं आपको कुंडली में, कि सबसे पहले तो ये है कि सेकंड लॉर्ड और 12th लॉर्ड जिस भी ग्रह के साथ होंगे उस ग्रह के हिसाब से रिजल्ट करेंगे। अगर वो ग्रह शुभ है तो शुभ रिजल्ट करेंगे, ग्रह अशुभ है तो अशुभ रिजल्ट करेंगे। और यदि कोई भी ग्रह साथ में ना हो तो जिस दूसरे स्थान के स्वामी हैं, क्योंकि हर ग्रह की दो दो राशि है, तो जिस दूसरे स्थान के स्वामी हैं उसके अनुसार फल करेंगे। मान लिया किसी पे दूसरे स्थान में राशि जो है उसी पड़ रही है, वो त्रिकोण में पड़ रही है, तो त्रिकोण का स्वामी तो अच्छा होता है। एक राशि पड़ रही है 2 नंबर हाउस में या 12 नंबर हाउस में, तो हमने तो छूटते कह दिया कि 12 नंबर हाउस में राशि पड़ रही है तो ये तो स्टेटसलेस हो गया, इसकी तो कोई फल ही नहीं हुआ इसका तो। लेकिन उसकी दूसरी राशि पड़ रही है त्रिकोण में, 5वें भाव में पड़ रही है या 9वें भाव में पड़ रही है, तो त्रिकोण के हिसाब से वो अच्छा ग्रह हो गया, शुभ ग्रह हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि दूसरे और 12वें भाव के स्वामी जो होते हैं वो हमेशा अपनी एसोसिएशन के हिसाब से रिजल्ट देते हैं। अगर अच्छे ग्रह के साथ बैठे हों तो अच्छा देंगे, बुरे ग्रह के साथ बैठे हों तो बुरा देंगे। अन्यथा अगर कोई ग्रह उनके साथ ना बैठा हो तो जहां पे उनकी दूसरी राशि हो जिस भाव में, अगर वो भाव शुभ है तो शुभ रिजल्ट देंगे, अगर वो भाव अशुभ है तो अशुभ रिजल्ट देंगे। सर एक क्वेश्चन है, हाँ, कि सपोज दूसरे भाव में जो भी राशि है उसके लॉर्ड स्टेटस लेस होंगे, लेकिन उस भाव में अगर कोई फिजिकल ग्रह बैठा हुआ है तो उसकी एसोसिएशन मानी जाएगी? हाँ, उसकी तो मानी जाएगी। नहीं, आप अपना एग्जांपल को थोड़ा सा क्लियर कीजिए, क्या मेरा मेरा मतलब ये है कि सपोज किसी कुंडली में सेकंड भाव में राशि तो 2 नंबर बैठी है, ठीक है, या 3 नंबर कोई भी, लेकिन उसमें कोई ग्रह भी बैठा है फिजिकल, हाँ, तो वो उसका एसोसिएशन माना जाएगा या उस ग्रह को भी नेगलेक्ट करेंगे? ग्रह का नहीं, जैसे 2 नंबर राशि आपने बोला है सेकंड भाव में, 2 नंबर राशि बोला तो उसका मतलब 2 नंबर राशि का स्वामी कौन हुआ, शुक्र। शुक्र को स्टेटसलेस माना जाएगा, ना कि जो ग्रह बैठा है उसको नहीं। अच्छा, ठीक है, नहीं वो क्लियर है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था कि शुक्र तो स्टेटसलेस माने जाएंगे क्योंकि वो 2 नंबर के स्वामी है, हाँ। लेकिन अगर मान लो उस भाव में, अभी आपने बताया कि अभी हम केवल ग्रह की पोजीशन नहीं देख रहे, हम केवल राशि की पोजीशन और उनके लॉर्ड की बात कर रहे हैं जी, लेकिन बाई चांस उस भाव में अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है तो उसके एसोसिएशन से मतलब है क्या आपका या नहीं? नहीं, अगर वो ग्रह बैठा हुआ है शुक्र के साथ तब तो ठीक है। अगर शुक्र किसी देखिए सिंपल सिद्धांत यह है कि अगर मान लिया दूसरे नंबर भाव में 2 नंबर राशि है तो स्वामी हुआ शुक्र जी, शुक्र स्टेटस लेस हो गया। शुक्र चौथे भाव में बैठा है, मान लिया शुक्र के साथ, वो बृहस्पति के साथ, मान लो चौथे भाव में बैठा हुआ है, तो बृहस्पति अगर अच्छा ग्रह है तो शुक्र भी अच्छे फल देगा, ठीक है। अगर बृहस्पति अशुभ ग्रह है उस कुंडली के लिए तो शुक्र भी अच्छे फल नहीं देगा।
अब मान लो शुक्र जो है वो किसी भाव में बैठा है, वो अकेला बैठा हुआ है, उस किसी ग्रह के साथ नहीं बैठा वो, शुक्र दूसरे भाव का स्वामी है, जाके बैठ गया चौथे भाव में या पांचवे भाव में और अकेला बैठा हुआ है जी। तो अब कैसे फल करे वो, तो उसके लिए शुक्र की दूसरी राशि देखेंगे कि भाई दूसरी राशि जो सात नंबर राशि है वो कौन से भाव में है जी। अगर वो अच्छे भाव में है तो अच्छा फल करेगा, ठीक है। इसमें एक थोड़ा सा क्लैरिटी है, फॉर एग्जाम्पल जो दूसरे भाव का स्टेटस हो गया, जैसे आपने बताया स्टेटस लेस हो गया राइट, वो जाके अकेला किसी भाव में बैठ गया सर जी। अब मान लीजिए सर के दूसरे भाव का स्वामी खुद उठ के त्रिकोण में जाके बैठ गया सर, क्या वो अच्छा हो गया सर? अब देखिए दूसरे भाव का स्वामी त्रिकोण में बैठा तो वो तो अच्छा हो गया, क्योंकि उसकी एक राशि वो प्लेसमेंट वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, अभी प्लेसमेंट वाला तो मैं आपको वो बताऊंगा, वो तो उसमें उस पे आप अभी ध्यान ना लगाएं, अभी ये सिर्फ ध्यान लगाएं इसके अंदर। अच्छा अच्छा ठीक है सर, इसको मैं दूसरी तरह से लेता हूँ सर। मान लीजिए कि दूसरे भाव का स्वामी कहीं और जाके बैठ गया जी, और वो उसके साथ किसी ग्रह के साथ नहीं बैठा है, अकेला है, अकेला है। अब आप कहते हैं कि सर कि उसका जो सेकंड राशि है वो देखें वो कहाँ बैठी है, वो कहाँ है। अब मान लीजिए सर वो राशि बैठ गई केंद्र में, केंद्र में बैठ गई, तो क्या वो कैसा रिजल्ट देगा सर? तो केंद्र में बैठ गई तो अच्छा फल देगा, त्रिकोण में बैठी तो अच्छा फल देगा, अगर 6-8-12 भाव में बैठी है तो अच्छा फल नहीं देगा। नहीं सर, अगर मान लीजिए जैसे शुक्र ही है। अच्छा मतलब आप कह रहे हैं केंद्र में बैठ जाती है तो केंद्र में है तो उससे केंद्राधिपति दोष लग जाएगा उसके ऊपर। हाँ जी, तो मान लीजिए शुक्र ही है, उसका सातवां सॉरी जो है राशि वो सात नंबर पे आ गई, मैं आपको एक ऐसे वो केंद्राधिपति दोष लग गया सर उसे, तो वो फिर अच्छा रिजल्ट नहीं देगी। अच्छा अगर, अगर वो क्रूर है और उसकी केंद्र में आ गई 4-7-10 में आ गई सर जो आपने अभी बताया, तो अच्छा रिजल्ट दे देगी क्योंकि वो केंद्राधिपति दोष में अच्छा हो गया। अच्छा हो गया, ऐसे ही करना है सर? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही करना है। ठीक है सर, थैंक यू। अभी अभी आपको एग्जाम्पल्स आगे मिलेंगे ना, तो उसमें आपको देखो आइडिया हो जाएगा। और इसके अंदर इसका दूसरे 12वें वाले पे थोड़ा सा अभी आपको रहेगा जरा सा, लेकिन मैं आपको अभी कुंडलियां दिखाऊंगा तो उसमें दूसरे 12वें वाले भाव के बारे में ज्यादा बताऊंगा, स्ट्रेस करूंगा कि देखिए यहाँ पे दूसरे भाव का स्वामी देखिए, 12वें भाव का स्वामी देखिए तो कैसा रिजल्ट देगा, वो हम अभी इसमें डिस्कस करते हैं। देखिए सर, जैसे ये बोल रहे हैं कि दूसरे भाव में 2 नंबर राशि है तो उसकी दूसरी राशि 7 नंबर में आएगी केंद्र में। हाँ केंद्र में ही आएगी। हाँ देखो लगाओ उसको, 2, 3, 4, 5, 6, 7 केंद्र में आएगी, 7 नंबर लगन से बिल्कुल ऑपोजिट। ठीक है, और कहीं वो बैठ ही नहीं सकती। हाँ ना त्रिक भाव में बैठेगी ना त्रिकोण में बैठेगी, बिल्कुल बिल्कुल केंद्र में, केंद्र में ही आएगी, बिल्कुल केंद्र में आएगी। तो उसमें नहीं 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 सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप दूसरा कुछ कर रहे थे। नहीं नहीं सर, ये लेट मी क्लैरिफाई, नहीं नहीं ऐसा नहीं है कि वो 2 नंबर की राशि सीधा ही 7 नंबर की 7 में आएगी, वो सिर्फ एक ही केस में अगर मेष मेष लगन है तो। उसके अलावा कैसे आएगी 2 नंबर, और किसी राशि में आ ही नहीं सकती 2 नंबर में सर। मेष लगन की कुंडली में ही 2 नंबर आएगा दूसरे भाव में। आपको आपको अभी कुंडली दिखा रहा हूं मैं, आगे वो मालूम चल जाएगा, उस वही आपकी क्वेरी का आंसर उसके अंदर ही है। अभी आप कुंडली देखिए, आगे आपको मालूम चल जाएगा, आपकी क्वेरी का आंसर उसी के अंदर मैंने रखा हुआ है। मैं समझ रहा हूं कि आप लोगों का कहां प्रॉब्लम आ रही है, वो मैंने उसमें आंसर रखा हुआ है। देखिए मैं बताता हूं, दिखाता हूं आपको भी। जैसे ये एक कुंडली है मेष लगन की, एक मिनट जरा मैं इसको अनपिन कर लूं पहले, एक मिनट। आपको मेरी फोटो नजर आ रही है, गायब हो गई है? है सर, है फोटो, है सभी की आ रही है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, और चार्ट भी आया सामने, प्लैनेट फॉर एरीज लगन। हाँ 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 ठीक है ठीक है, तो एरीज लगन का ये चार्ट है। अब इसमें अगर हम ये देखें कि कौन सा ग्रह शुभ होंगे और कौन से ग्रह अशुभ होंगे, यस एरीज लगन के लिए, तो सूर्य का आप सोचो क्या होगा। सूर्य सूर्य त्रिकोण का स्वामी है, 5 नंबर राशि है, सूर्य शुभ होगा।
सूर्य निर्विवाद रूप से शुभ हो गया ग्रह आपका इस कुंडली, चंद्रमा भी शुभ, चंद्रमा भी शुभ हो गया। हाँ अभी चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं, एक एक चलते रहिए। तो सूर्य हमारा शुभ हो गया, उसके बाद चंद्रमा पे आइए, ये भी शुभ है। अच्छा चंद्रमा जो है सर, एक नंबर से चालू है लगन में मंगल है, मंगल मतलब एक नंबर है। तो चलिए आप ऐसे ले लीजिए, मैं आपको मतलब इसलिए बता रहा हूँ कि आप सूर्य से लेकर शनि तक सारे ग्रह याद रहते हैं ना, तो पहले सूर्य मंगल चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि ऐसे करके वो आप उसकी सीक्वेंस अच्छी रहेगी आपको याद करने में। हाँ किसी भी लगन की कुंडली में सूर्य अच्छा है या नहीं है, चंद्रमा अच्छा है या नहीं है, वो आपको मालूम चल जाएगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सूर्य इस कुंडली में अच्छा है या नहीं है। तो हमने देखा कि सूर्य जो है वो पांचवें भाव का स्वामी है, इसलिए त्रिकोण का स्वामी है, इसलिए सूर्य हमारा निर्विवाद रूप से अच्छा ग्रह हो गया, इस कुंडली के लिए शुभ ग्रह हो गया। यस। अब आते हैं चंद्रमा पे। चंद्रमा को अगर हम देखें तो चंद्रमा को इसमें राशि मिली है चार नंबर, जो कि चौथे भाव में है। यस। तो चंद्रमा क्या क्या हो गया, चंद्रमा को तो केंद्राधिपति दोष लग गया। हाँ चंद्रमा को केंद्राधिपति दोष लग गया तो चंद्रमा जो है वो एक तरीके से नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन सर आपने बताया कि ये एक्सेप्शन में आते हैं सूर्य चंद्रमा। नहीं नहीं सूर्य चंद्रमा केवल आठवें भाव के लिए, आठवें भाव okay. अगर आठवें भाव के स्वामी हो तो ही एक्सेप्शन में आते हैं, वैसे एक्सेप्शन में नहीं आते। ठीक है सर, ठीक है ना। अच्छा हाँ, क्योंकि ये है कि चंद्रमा चूंकि इसमें चार नंबर राशि वहां पर है, तो चंद्रमा इस कुंडली में केंद्र का दोष स्वामी बन गया, केंद्राधिपति बन गया, तो उसमें केंद्राधिपति दोष लग गया, इसकी वजह से वो नेगेटिव हो गया, अशुभता आ जाएगी उसके अंदर। मंगल, मंगल देखिए, मंगल के पास दो भाव हैं, लगन है और ये आठवां भाव है। अब यहां आठवें भाव को भूल जाइए, मैंने कहा कि लगन का स्वामी तो शुभ होता ही होता है, शुभ होगा तो मंगल शुभ होगा। सुमन जी समझ में आ रहा है? यस यस सर, आई कैन अंडरस्टैंड। हाँ तो मंगल शुभ ही होगा। अब बुध पे आ जाइए, बुध पे कौन सर, सर एक चीज। हाँ आपने कहा कि लगन का तो जो भी रहेगा वो तो स्वामी शुभ ही रहेगा। हाँ तो आपने कहा जो आठवें भाव में रहेगा वो अशुभ ही रहेगा। नहीं नहीं वो आठवें भाव का तो अशुभ रहेगा हर हालत में, लेकिन अगर वो लगन का भी स्वामी है तो वो लगन वाला स्वामी तो मैंने बोल दिया कि वो तो शुभ रहना ही रहना है लगन। अच्छा। वाला क्योंकि लगन तो आपकी कुंडली का स्वामी है एक तरीके से, प्रायोरिटी उसको मिलेगी, प्रायोरिटी उसे मिलेगी, वो अशुभ हो ही नहीं सकता। ठीक है वो तो आपकी कुंडली का गवर्न करने वाला है, कुंडली को ठीक है मालिक है कुंडली का, तो मालिक तो अशुभ होगा ही नहीं, चाहे उसके पास आठवें नंबर में दूसरी राशि हो या कहीं भी राशि हो उसकी। ठीक है तो लगन को छोड़ के अगर कोई ग्रह आठवें नंबर का स्वामी होगा तब वो अशुभ कहलाएगा। ठीक है ठीक है। अच्छा अब आइए आप मरकरी पे, मरकरी देखिए, मरकरी की दोनों राशि कहाँ है, तीन और छह, तीसरे भाव में है, एक छठे भाव में है। त्रिक भाव में आ गई सर ये, शुभ हो गए। हाँ छह नंबर, हाँ जैसे मैंने बताया था कि आपको तीन छह ग्यारह भावों में अशुभ भाव होते हैं, ये याद है आपको सबको? यस यस। हाँ जी अनुपम, यस सर याद है, याद है ना कि तीन छह ग्यारह मैंने बताया था कि त्रिष्ठाय भाव होते हैं वो अशुभ भाव होते हैं। जी। तो चूंकि ये तीन छह ग्यारह भावों का स्वामी बन गया एक तरीके से, तो ये अशुभ ग्रह हो गया बुध इस कुंडली के लिए। यानी किसी कुंडली मेष लगन वाली होगी तो आप उसे कह सकते हैं कि भैया बुध तेरा फेवरेबल ग्रह नहीं है, सूर्य तेरा फेवरेबल ग्रह है, चंद्रमा तेरा फेवरेबल ग्रह नहीं है, मंगल तेरा फेवरेबल ग्रह है, बुध तेरा फेवरेबल ग्रह नहीं है, और मेष लगन वाले का जुपिटर फेवरेबल ग्रह है या नहीं है ये भी देख लीजिए आप। जुपिटर की एक राशि त्रिकोण में है, शुभ होगी, तो त्रिकोण वाला तो शुभ होगा। फिर आइए वीनस पे, वीनस का देखिए राशि कहां कहां है आपकी, वीनस की एक राशि दो नंबर यहां पर है और एक बारह नंबर, नहीं 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 वीनस सॉरी सात नंबर, सात नंबर में। तो वीनस क्या हुआ, वीनस पे केंद्र का भाव है, वीनस पे केंद्र का भाव है, अशुभ हो गया सर, अशुभ कहलाएगा, क्योंकि वीनस नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है लेकिन केंद्र का स्वामी होने से वो अशुभ हो गया। ठीक है अब शनि देखिए,
शनि के पास 10 नंबर राशि ये केंद्र में है और ये 11 नंबर राशि है। अब शनि केंद्र का स्वामी होने से तो शुभ हो जाता है, शुभ हो जाएगा, लेकिन 11 नंबर जो भाव है ये भाव अशुभ है, तो इसलिए ये अशुभ हो जाएगा। सर बोलते ना कि पाप ग्रह अगर केंद्र में आ गए तो उसका फल अपने को शुभ ग्रह वाला देंगे, पाप ग्रह उसमें अगर आ गए केंद्र में, केंद्र के स्वामी हो तो अच्छे फल देंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन पाप ग्रह की अगर दूसरी राशि अशुभ भावों में है तो वैसा इफेक्ट करे तो फिर वो अशुभ हो जाएगा। ओके। पाप ग्रह की राशि अगर अशुभ भाव में नहीं होती दूसरी राशि तो वो अच्छा फल देता। और प्रिसाइजली इसको ऊपर आपको याद करना है तो इतना याद कर लीजिए, केंद्र के स्वामी अशुभ ग्रह हो और वो लग्नेश के मित्र भी हों तो वो हमेशा शुभ फल देंगे। केंद्र के स्वामी शुभ ग्रह हो, शुभ ग्रह मीन्स सॉरी पाप ग्रह हो, केंद्र के स्वामी पाप ग्रह हो और वो लग्नेश के मित्र हो तो वो हमेशा शुभ फल देंगे। आप ज्यादा मत, इतना ज्यादा मत सोचो, अभी धीरे धीरे कुंडली में सब याद हो जाएगा। अभी कंफ्यूज कर रहे होगे आप, थोड़ा लग रहा है मुझे हल्का, अभी कंफ्यूज मत कीजिए। शनि के पास दो राशियां हैं, एक दसवें भाव में राशि है उसकी, एक ग्यारहवें भाव में राशि है। दसवें भाव में राशि होने से वो बनता है, वो अच्छा ग्रह बन जाता, लेकिन चूंकि दूसरी राशि उसकी त्रिष्टाय भाव में है जो अशुभ भाव में है, इसलिए शनि इस कुंडली के लिए अच्छा ग्रह नहीं बना, शनि इस कुंडली के लिए अच्छा ग्रह नहीं बना, ये देख लीजिए। अच्छा, इसके अंदर मनीषा जी कोई दिक्कत कुछ नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम समझ आ रही है सर? बात बताएंगे? हाँ बोलिए सर। इसका मतलब ये हुआ कि मेष राशि के लिए हमेशा ये सब ग्रह फिक्स हो गए, सूर्य इसके लिए हमेशा शुभ ही रहेगा? ये ग्रह इन राशियों के लिए, इस लगन के लिए शुभ नहीं होते नॉर्मली। हाँ। ये इनमें थोड़ी शुभता आती है इस बात से कि ये कहां बैठे हैं, अदरवाइज तो ये ग्रह आपके लिए हमेशा खराब ही होंगे। आप समझ गए? ये जो ग्रह हैं ये आपके लिए थोड़ा गड़बड़ वाले ग्रह हैं, जो मेष लग्न के लिए अशुभ ग्रह निकले हैं वो अशुभ ही रहेंगे। उनमें थोड़ी शुभता आती है कि वो कहाँ पे पोजिशन हैं, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। पर अभी से जैसे इसमें गुरु है, हाँ, वो है 9 नंबर का ओनर है और 12 नंबर का, हाँ, तो 12 इज नॉट गुड बट 9 इज ओके। 9 त्रिकोण वाला हाउस हो गया, तो ये किसका फल देगा भी? तो त्रिकोण का फल देगा ये 9 नंबर का। हाँ, ये त्रिकोण का स्वामी कहलाएगा। त्रिकोण का स्वामी जैसे ही बना ना ग्रह, आप सोच लीजिए शुभ है। उसके पास त्रिकोण में कोई भी राशि आ गई तो समझ लीजिए शुभ है वो वाला ग्रह। फिर दूसरी राशि कहीं भी हो? हाँ, फिर कहीं भी हो तो सर वो अपने दूसरे राशि में भी शुभ फल देगा कि अशुभ देगा, ये थोड़ा मैं आगे बताऊंगा इसको। ठीक है सर, नहीं तो कंफ्यूज जाएंगे आप लोग अभी ना एक ही चीज के ऊपर बहुत ज्यादा। अभी इतना याद रखो कि त्रिकोण का स्वामी हो तो वो शुभ होगा, लगन का स्वामी हो तो वो शुभ ही होगा, आठवें का स्वामी हो तो अशुभ होगा, लेकिन आठवें का स्वामी सूर्य चंद्रमा हो तो वो अशुभता उसके अंदर नहीं होगी, इतना ध्यान रखिए। ये चार ग्रह हुए सर अशुभ, इसमें चार ग्रह अशुभ ग्रह हुए मेष लगन में। ठीक है सर, ठीक। तो ये एक इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा। अब जैसे हम लोग, आप कोशिश कीजिए, देखिए ये कुंडली है वृष लगन की, वृष लगन में निकालने की सोचिए कौन कौन सा ग्रह आपके हिसाब से शुभ आता है, टेक 5 मिनट्स और सोचिए कौन सा ग्रह शुभ आता है, कौन सा ग्रह अशुभ आता है इस कुंडली के हिसाब से, आपके हिसाब से जो मैंने प्रिंसिपल आपको बताया है। आप 5 मिनट लीजिए, फिर मैं एक एक से पूछूंगा तो वो बताता जाएगा, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। पहले सूर्य से लीजिएगा, सूर्य फिर चंद्रमा फिर मंगल, ऐसे करके इसी सीक्वेंस में लीजिएगा कि सूर्य ग्रह इस कुंडली के लिए कैसा है, चंद्रमा कैसा है, मंगल कैसा है, बुध कैसा है, वो जस्ट निकालिए। एंड आफ्टर 2-3 मिनट्स मैं आपसे पूछूंगा
किसी एक से तो वो जवाब देगा, और फिर बाकी लोगों से पूछेंगे तो वो जवाब देंगे। धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आप घबराइए मत, बिल्कुल ओपन माइंड से सोचिए इस चीज को। निकाला आप लोगों ने? हाँ जी सर। जी सर। अच्छा ठीक है, ठीक है, गुड। तो आके सर आप ही बताओ पहले कि कौन से ग्रह, सूर्य ग्रह इस कुंडली में कैसा है? सूर्य सर अशुभ है। शुभ इंद्र का। हाँ हाँ बोलिए 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 बोलिए। अशुभ है सर। सुमन जी आपके हिसाब से बताइए सूर्य क्या है? सर अशुभ है बिकॉज ये केंद्रापति दोष लग गया उनको, वो केंद्राधिपति योग। हाँ केंद्राधिपति दोष लगा क्योंकि वो चार नंबर में, बट वो है तो अशुभ ग्रह ना। अशुभ ग्रह तो शुभ हो जाएगा ना, इसमें शुभ हो जाएंगे ना। सूर्य शुभ है, केंद्र में आके शुभ। मैंने बताया था कि जो नैसर्गिक रूप से पाप ग्रह होते हैं वो केंद्र के स्वामी होने से शुभ हो जाते हैं। तो सूर्य चूंकि नैसर्गिक रूप से पाप ग्रह है तो वो केंद्र में आने से, उसकी इस राशि केंद्र में आने से वो शुभ हो जाएगा। तो सूर्य इस कुंडली के लिए शुभ रहेगा। सिमिलरली आठ नंबर में मंगल है वो भी शुभ हो जाएंगे। अच्छा शंकर जी आप बताइए चंद्रमा इस कुंडली के लिए कैसा है? तो चंद्रमा इसमें तीन नंबर में है तो इसमें अशुभ है वो। चंद्रमा अशुभ है, वेरी नाइस वेरी नाइस। अनुपम इस कुंडली बताओ बुध कैसा है? सर बुध इसमें शुभ है। बुध शुभ है क्यों? क्योंकि सर वो त्रिकोण का, त्रिकोण का ये जो है ना उसमें 12वीं राशि उसमें है, तो ये जो है शुभ है। अच्छा शुभ है क्योंकि ये जो है 3, 3, 6, 11 नंबर पे। हाँ मतलब एक राशि उसकी त्रिकोण में है इस वजह से आपने कहा शुभ है, ठीक है ना। जी, जी, जी। दो राशि होती है बुध की, तीसरे नंबर और छठी नंबर। तीन नंबर राशि आपके दूसरे भाव में है, छह नंबर राशि आपके पांचवे भाव में है, त्रिकोण भाव में है, इसलिए ये शुभ हो गया बुध। ठीक है बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम बुध शुभ हो गया। किरण जी बताइए मंगल क्या है इस ग्रह कुंडली के अंदर? शुभ है, शुभ। मंगल अशुभ रहेगा। अशुभ है सर। सर आठ नंबर, आठ नंबर में वो पहले शुभ हुआ लेकिन उसके बाद उसको त्रिक भाव में, ट्वेल्थ का स्वामी है ना, ट्वेल्थ हाउस का स्वामी है। नहीं सर मंगल तो शुभ होगा क्योंकि ये केंद्राधिपति दोष लग जाएगा इस पे। पर उसकी दूसरी राशि देखो ना सर, मेरे राशि ट्वेल्थ हाउस में जा रही ना। मंगल इसमें शुभ ग्रह नहीं अशुभ है। मंगल शुभ होगा सर क्योंकि मंगल शुभ होगा, केंद्र में वो पाप ग्रह है तो शुभ हो जाएगा, हो जाएगा सर। हाँ दूसरी राशि 12वें में है ना तो शुभ हो जाएगा। चलो ठीक है आप नोट करके रखो सब लोग अपना अपना आंसर, अभी आगे क्लियर होगा जो चार्ट में बताऊंगा दिखाऊंगा आपको जिसका आंसर तब क्लियर होगा, और तब समझ किसी को नहीं आएगा तब हम बात करेंगे। अच्छा अब इसके बाद सूर्य हो गया हमारा, चंद्रमा हो गया, मंगल हो गया, बुध भी हो गया, बृहस्पति बताइए बृहस्पति इस कुंडली में कैसा है विजय जी? अशुभ है सर। बृहस्पति इस कुंडली में अशुभ ग्रह है, किस लिए? सर आठवें स्थान पर बैठे हैं, आठवां अशुभ, आठवें भाव में, इसलिए ग्यारहवें स्थान का स्वामी चले अशुभ ग्यारहवें। ठीक है ठीक है, गुड गुड, शुभ है सर। शुक्र कैसा है इस कुंडली में? शुक्र शुभ है, वो केंद्र का स्वामी शुभ है, लग्नेश है ना। हाँ लग्नेश है, शुक्र लग्नेश है इसलिए वो शुभ हो गया। शनि कैसा है इस कुंडली के अंदर? शनि भी शुभ है सर। शुभ है, शनि शुभ है।
क्योंकि शनि पे त्रिकोण की राशि है और केंद्र की राशि है, त्रिकोण की राशि है, वो पाप की वजह से दोनों से शुभ आ रहा है, दोनों से शुभ आ रहा है, दोनों से शुभ आ रहा है। तो जो दोनों से शुभ आए वो क्या कहलाएगा? अति शुभ। अति शुभ, उसको बोलेंगे पूर्ण योग कार्य। सर लेकिन यहीं पे मेरे को एक डाउट है कि यहाँ पे इस कैलकुलेशन से तो ये अति शुभ आ रहा है और नैसर्गिक रूप से ये अति अशुभ है। हाँ तो सर ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है चीजें। नहीं, नैसर्गिक रूप से अति अशुभ जरूर है, लेकिन कुंडली किसी किसी कुंडली देखिए, नैसर्गिक रूप से तो वो अशुभ माना मान लिया आपने, लेकिन हर लगन की कुंडली के लिए ग्रह अलग अलग हो जाते हैं। कोई नैसर्गिक अशुभ ग्रह किसी लगन की कुंडली के लिए बहुत बढ़िया हो जाता है। वृष लगन के लिए ये शनि जो है वो बहुत बढ़िया हो जाता है। आप ये मत लेके चलिए कि नैसर्गिक ग्रह अशुभ है आपका तो वो हमेशा अशुभ रहेगा। डिपेंड करता है कि उसको कौन से भाव मिले हैं कुंडली में। जो भाव उस ग्रह को मिले हैं कुंडली में, जिस भाव में उसकी राशि आई है, उसके हिसाब से उसकी शुभता या अशुभता होगी। कुंडली के हिसाब से दो तरह की शुभता अशुभता होती है, एक नेचुरल जो मैंने बताया कि शनि नेचुरल रूप से अशुभ ग्रह है, एक होती है तात्कालिक, फंक्शनल बोलते हैं उसको, कि फंक्शनल मैलिफिक होना या फंक्शनल बेनिफिक होना। फंक्शनल मैनिफिक मींस कि वो कुंडली के हिसाब से शुभ बना है या कुंडली के हिसाब से वो अशुभ बना है, राशियों के हिसाब से। सर इसमें वो एक चीज पूछनी थी मेरे को उससे कि अगर कोई नैसर्गिक रूप से भी अति शुभ है और इस कैलकुलेशन से भी अति शुभ आ रहा है, जैसे शनि आया है, तो क्या उसकी जो उसकी जो शुभता है वो और ज्यादा बढ़ जाती है? बिल्कुल बिल्कुल बढ़ जाएगी, बिल्कुल बढ़ जाएगी। अगर नैसर्गिक रूप से भी शुभ हो और वैसे भी शुभ हो तो उसकी शुभता मतलब आप चौगुनी पांचगुनी हो जाएगी, ये बिल्कुल याद रखिए आप। और सर अगर प्लेसमेंट गलत जगह पे हो जाए उसकी ग्रह प्लेसमेंट पर रखे जी, मैं आऊंगा थोड़ा सा प्लेसमेंट करके उस बात कीजिए। ठीक है, देखिए प्लेसमेंट से फर्क पड़ता है, मैं आपको एक बार थोड़ा हिंट देता हूँ, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा प्लेसमेंट आपको, प्लेसमेंट से बहुत चीज समझने वाली है। ग्रहों की प्लेसमेंट से भी फर्क पड़ता है, ग्रह प्लेस्ड कहाँ पे है। अगर अच्छे भावों में प्लेस्ड है तो थोड़ा प्लस रिजल्ट हो जाता है, बुरे भावों में है तो थोड़ा रिजल्ट नेगेटिव हो जाता है। लेकिन कोई ग्रह अगर किसी कुंडली के लिए अच्छा है तो इट मींस ये नहीं कि वो अगर कहीं वेल प्लेस नहीं रहा तो वो बिल्कुल बुरा हो गया, वो अच्छा रहेगा लेकिन उसकी अच्छाई में थोड़ी कमी आ जाएगी, बस इतना रहेगा। तो आपको आगे बताऊंगा मैं आपको, अभी सिर्फ आप इतना याद रखिए कि वृष लगन के लिए ये ग्रह है। अब आप अपने ग्रह गुरु जी हाँ जी बोलिए। हेलो गुरु जी, ब्रश लगने के लिए हम लोग जो लग्नेश को देखेंगे शुक्र को, हाँ, उसका मूल त्रिकोण राशि छठा भाव में फंसा हुआ है, हाँ, तो हम इसको सम माने या नहीं? नहीं, लग्नेश को लगन का स्वामी आपको शुभ ही मानना है, उसको कंफ्यूज नहीं करना उसको। गुरु जी मैं देखा हूँ, गुरु जी एक्चुअल में देखा हूँ बहुत पत्रिका, लेकिन उसका रिजल्ट सम में आता है, मतलब उतना अच्छा नहीं आता है। जब शुक्र का दशा चल रहा हो कि अंतर्दशा चल रहा हो तो मैं देखा हूँ, मतलब विकास में अभी आपको आगे ना मूल त्रिकोण राशि पढ़ाऊंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा। अभी लेक्चर आने वाला है मूल त्रिकोण राशि का, अभी मैंने मूल त्रिकोण राशि इसलिए पढ़ाई नहीं है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। मूल त्रिकोण राशि के ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि के 75% फल देते हैं, ठीक है ना, तो वो मैं आगे पढ़ाऊंगा। अभी आप इतना याद रखिए कि कोई ग्रह त्रिकोण का स्वामी है तो वो शुभ हो गया, पाप ग्रह केंद्र का स्वामी है तो वो शुभ हो गया, शुभ ग्रह केंद्र का स्वामी है तो वो अशुभ हो गया, इतना याद रखिए खाली। और जब मूल त्रिकोण राशि के बारे में हम पढ़ेंगे, चैप्टर हमारा मूल त्रिकोण राशि की पूरी एक क्लास है मेरी जो मैं पूरी पढ़ाऊंगा आप लोगों को अलग से, उस पूरी क्लास में फिर मैं आपको बताऊंगा रिजल्ट कैसे डिफर कर जाते हैं मूल त्रिकोण राशि से, तो उससे अभी कंफ्यूज मत कीजिए नहीं तो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे आप। जी जी, तो अब ये मैच कर लीजिए आप अपने रिजल्ट। सूर्य शुभ हुआ, चंद्रमा अशुभ हुआ, बिल्कुल ठीक कहा था आपने, और शनि जो है वो पूर्ण योग कार्य ग्रह हुआ क्योंकि उसके पास केंद्र का लॉर्ड भी है, वो त्रिकोण का लॉर्ड भी है। सर जितना मैंने मतलब समझा हूँ ना, हाँ, आगे आप क्लेरिफाई करना, इसमें दो ग्रुप लीडर है, एक जुपिटर एक शनि भगवान है, मतलब एक में अगर ये शुभ है तो दूसरे में वो अशुभ होंगे, दोनों मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट रहते, जो इतना मैं समझा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक ही राशि में दोनों ही शुभ होंगे।
खाली मैं जुपिटर सैटर्न के रिलेटेड बात कर रहा था। हाँ नहीं ठीक है, वो ठीक है, वो आपका ठीक है, अभी आप आगे निकालेंगे तो उसमें वो आप आपकी जो बात है वो अपने आप ही क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अभी आप ये याद रखिए कि आपका शनि जो है इस कुंडली के अंदर जो बेस्ट ग्रह है वृष लग्न कुंडली के अंदर, जिसे कहते हैं ना कि भाई क्या तुम्हारा बेस्ट ग्रह है जो तुम्हारा जीवन भर साथ देने वाला है, तो वो शनि होगा उस कुंडली के लिए। ऐसा आदमी अगर नीलम पहन ले तो उसकी वारण्यारे होते हैं, जिसकी वृष लग्न कुंडली हो और शनि उसका पूर्ण योगकारी हो और वो नीलम पहन ले तो उसका बहुत बढ़िया वो होता है। मतलब जो भी जेम स्टोन्स वगैरह हैं या जो रत्न पहनने चाहिए वो पूर्ण योगकारी ग्रह का अगर आप पहनो तो बेस्ट होता है, नंबर टू पे लग्नेश का पहनो तो ठीक होता है। वन थिंग आई वांट टू आस्क, ऑल्दो इट्स नॉट अबाउट द कोर्स, तो अमिताभ बच्चन की कुंडली में वृषभ लग्न की है, बिकॉज़ ही वोर ऑलवेज बिग नीलम। हाँ नीलम पहनता है वो, तो वो कुंडली आपको वृषभ लग्न की मिलेगी उसकी। देखिए शनि जो है दो कुंडली में होता है पूर्ण योगकारी, एक तुला लग्न में एक वृषभ लग्न में, तो इन दोनों कुंडली में से एक कुंडली उसकी होगी या तो आइदर तुला लग्न की होगी या वृष लग्न की होगी, इन दो कुंडली में शनि पूर्ण योगकारी ग्रह बनता है। थैंक यू। तुला लग्न की सर, वो शायद तुला लग्न की। अच्छा अब हम देखते हैं दूसरा कुंडली, ये मिथुन लग्न की कुंडली हमारी आ गई है। अब मिथुन लग्न की कुंडली में हम लोग डिसाइड करते हैं कैसे कैसे मिथुन लग्न वाली कुंडली का आप एक बार भाव लिख लीजिए, दो मिनट लिखिए और इसके बारे में फिर मुझे बताएंगे अनुपम मिथुन लग्न की कुंडली के बारे में कि कौन से ग्रह शुभ हैं कौन से ग्रह अशुभ हैं। टेक टू मिनट्स, सबसे पूछूंगा मैं, 12 लग्न कुंडलियां हैं सबसे सब पूछूंगा, एक बार ये याद हो गया तो समझो सब कुछ याद हो गया। सर एक बारी पिछली स्लाइड दिखा दीजिए जिसमें शुभ शुभ लिखा था। ठीक है सर। करा आप लोगों ने, हमें 12 लगन खत्म करने हैं, थोड़ा थोड़ा फास्ट चलिए जरा सा, या तो हमारे 6 लगन खत्म हो पाएंगे लगता है आज। अनुपम निकाल लिया आपने? यस सर। सूर्य अशुभ होगा, सूर्य अशुभ होगा, यस। चंद्रमा, चंद्रमा का सर नहीं निकल, चंद्रमा चंद्रमा भी अशुभ होगा, चंद्रमा चंद्रमा का नहीं मैं निकल पाया। शनि शुभ होगा, शनि शुभ होगा, गुड। मंगल अशुभ होगा, मंगल आपका अशुभ होगा जी, ठीक है। और बुध शुभ होगा, बुध शुभ होगा, बुध लग्नेश में, हाँ हाँ लग्नेश के स्वामी है। और सर शुक्र, शुक्र शुभ होगा, बृहस्पति अशुभ, बृहस्पति अशुभ होगा और शुक्र शुभ होगा। नहीं बृहस्पति शुभ होगा क्योंकि बृहस्पति की एक राशि त्रिकोण में है ना, मैंने कहा था कि अगर एक राशि त्रिकोण में हो तो वो शुभ हो जाता है, त्रिकोण का स्वामी। त्रिकोण में तो नहीं है सर, त्रिकोण में नहीं है, नहीं बृहस्पति, बृहस्पति बृहस्पति की बोल रहा हूँ, ओ सॉरी शुक्र नहीं है, नहीं शुक्र होगा, शुक्र शुभ होगा, शुक्र शुभ है, शुक्र सर बृहस्पति फिर अशुभ है। बिल्कुल ठीक है, बृहस्पति को केंद्रादि पर दोष लग गया तो बृहस्पति हमारे इसमें अशुभ ग्रह हुए, शुभ हो गए बुध शुक्र और शनि। हाँ शनि भी शुभ हो गए। अब तो सर इसमें मैं जो पहले बोल रहा था जैसे कि सूर्य और मंगल इसमें अशुभ हो गए, हाँ वो जैसे गैंग में ऑपरेट करते हैं ना वैसे ये कॉम्बिनेशन सेम ही रखते हैं अपना, ये दोनों या तो शुभ में रहेंगे या तो ये अशुभ में रहेंगे, ऐसा है।
समझ में आया मेरे को शनि का चंद्रमा ग्रह मिली, चंद्रमा का नहीं समझ आया। अब चंद्रमा का क्या रहेगा? हाँ चंद्रमा शुभ है, अशुभ है सर। सेकंड से चंद्रमा जो है ना, मैंने कहा था कि दूसरा और बारहवें भाव का स्वामी जो होता है अशुभ, वो अपने किस ग्रह के साथ बैठा है उसके हिसाब से रिजल्ट देता है। तो ये अपनी लाइफ ना, अगर अपन सिर्फ सिंपल देख रहे हैं, अपने को बाकी ग्रह नहीं पता, तो ये अशुभ ही आएगा ना। हाँ तो अशुभ आएगा। अदरवाइज ये होगा, क्या होगा कि अगर ये मान लिया अच्छे ग्रह के साथ बैठा है तो अच्छा रिजल्ट करेगा, बुरे ग्रह के साथ बैठा है तो बुरा रिजल्ट करेगा। ये उसके लिए देखना है। इस अपन ने मिथुन लग्न में अपन ने देखा सूर्य अशुभ है, चंद्रमा अशुभ है, मंगल अशुभ है, नहीं गुरु अशुभ है, गुरु भी अशुभ है, बुध शुभ है, शुक्र शुभ है और शनि शुभ है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। नीति जी आप ये जरा चेक कीजिए इसका, इस कुंडली का बताइए, फिर आप लोग दो मिनट में इसका नोट कर लीजिए, फिर नीति जी बताएंगे इसके बारे में कौन कौन शुभ है, कौन सा शुभ है। जी सर। सर मैं बताऊं? हाँ देख लिया आपने, बताइए प्लीज। सर मैं लगन से शुरू कर देता हूँ। नहीं सूर्य शुरू कीजिए, आप सूर्य से शुरू कीजिए, सूर्य बताइए। सूर्य अशुभ है सर। सूर्य अशुभ है, ठीक है। चंद्रदेव सूर्य, सूर्य के लिए आप थोड़ा बोलिए कि सूर्य का रिजल्ट जो होगा एज पर एसोसिएशन होगा, अभी फिलहाल अशुभ है, लेकिन रिजल्ट इसका ऐसा होगा कि अगर ये किसी शुभ ग्रह के साथ बैठा होगा तो शुभ, अशुभ ग्रह के साथ बैठा होगा तो अशुभ, क्योंकि दूसरे और बारहवें भाव के स्वामी एज पर एसोसिएशन रिजल्ट करते हैं, ठीक है ना। जी सर। आगे चंद्रमा, बस सर एक सेकंड। हाँ सूर्य बैठा है 10 नंबर घर में। अच्छा चंद्रमा बताइए निशा। शुभ है सर। शुभ चंद्रमा शुभ है। मंगल शुभ, मंगल शुभ है सर। मंगल पूर्ण योगकारी जी, इसके पास एक केंद्र का स्वामी है, एक त्रिकोण का स्वामी है। ठीक है सर, दोनों राशि से शुभ बनता है, ये दोनों राशियों से सही। तो मंगल इस ग्रह कुंडली के लिए, कर्क लग्न की कुंडली के लिए मंगल जो है बहुत बढ़िया है, कर्क लग्न वालों का अगर मंगल को मजबूत रखें ये लोग तो वारण्यारे कर सकते हैं मंगल के साथ। बुध सर अशुभ है। बुध अशुभ है, ठीक है, गुड। और सर जो शुक्र हैं वो भी अशुभ हैं। गुरु शुभ है सर। कब तक आओगे? गुरु शुभ हैं सर। गुरु शुभ हैं, शुक्र अशुभ हैं, ठीक है। और शनिदेव भी अशुभ हैं सर। शनिदेव नहीं, शनि शुभ है। शनि शुभ है, नहीं वो अष्टम भाव का भी स्वामी है ना। अष्टम भाव का भी स्वामी है। हाँ सर त्रिकोण के स्वामी है तो शुभ हो गए। नहीं त्रिकोण का स्वामी कहीं नहीं है ना, त्रिकोण का स्वामी शनि नहीं है इसमें, गुरु है। आप चेक कर लीजिए, सब लोग अपना रिजल्ट देख लीजिए। तो कर्क लगन वाली कुंडली के जो जातक हैं या जो लोग जिनकी कर्क लगन की कुंडली होती है उनको आप बोल सकते हैं कि भैया पन्ना पहन लो, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो सॉरी मंगल का वो मूंगा। ठीक है आगे चलें। यस मनीषा जी आप देखिए इस कुंडली को बताइए, इस कुंडली में सूर्य से लेकर लास्ट तक शनि तक कौन से ग्रह कैसे कैसे हैं, 2 मिनट लीजिए आप और देख के बताइए फिर।
सर सूर्य तो शुभ है। सूर्य शुभ है क्यों है ये बताइए क्यों? क्योंकि एक नंबर भाव में बैठे हुए हैं। लग्नेश लग्न के स्वामी है और त्रिकोण भाव में बैठे हुए हैं। लग्नेश लग्नेश भी है। चंद्रमा चंद्रमा इनके अशुभ है क्योंकि ये एसोसिएशन में हाँ एसोसिएशन में होंगे लेकिन मतलब अभी फिलहाल अशुभ मान सकते हो क्योंकि 12वें नंबर भाव का स्वामी है और चंद्रमा की एक ही राशि है अभी प्लेसमेंट तो है नहीं इसलिए आप इसको अशुभ मान सकते हो। मंगल बताइए। मंगल शुभ है शुभ 9वें भाव में बैठे हुए हैं। शुभ है या पूर्ण योगकारी है? पूर्ण योग में शुभ है पूर्ण योगकारी है पूर्ण योगकारी है क्योंकि इनके दोनों भाव ऐसे है दोनों राशियों से ये शुभ बनते हैं जहाँ केंद्र और केंद्र में ये अशुभ थे शुभ हो गए हाँ त्रिकोण से और त्रिकोण में है तो शुभ हो गए तो इसलिए अति शुभ हो गए। पूर्ण योगकारी ग्रह मंगल। गुरु भी शुभ है सर? गुरु शुभ है? गुरु शुभ है हाँ। मनीषा जी बताइए बुध बताइए। बुध अशुभ है। बुध 3 नंबर अच्छा बृहस्पति बताइए आप। मनीषा जी -12 5वें नंबर में शुभ 5वें में शुभ है तो भी है 5वें में इसमें भी शुभ त्रिकोण के मालिक है क्योंकि त्रिकोण के स्वामी हो गए तो शुभ हो गए शुभ हो गए ठीक है हाँ जी। त्रिकोण के स्वामी होने शुभ हो गए। शुक्र बताइए। अशुभ सर अशुभ है। अशुभ है बिल्कुल सही बताया आपने क्योंकि केंद्र में है और इधर तीसरे भाव में है। इधर तीसरे भाव के हैं वेरी नाइस वेरी नाइस। शनि बताइए। शनि सर 11 कम हो गया मतलब एक छठे का और एक छठे में शुभ है हो गया सातवें का मालिक के भाव में नहीं सर शुभ है शुभ अशुभ होंगे अशुभ है अशुभ होंगे स्वामी है ना नहीं ये सर केंद्र में होने से ये पाप ग्रह है तो ये शुभ ग्रह का फल देंगे ना। एक राशि त्रिकोण में है ना त्रिक भाव में है 6 नंबर ये एक बार समझा दीजिए। शनि शनि का मैं बताता हूँ देखिए मैं आपको अभी वही जैसे आपको बोल रहा था कि पाप ग्रह केंद्र के स्वामी हो तो शुभ हो जाते हैं ठीक है। अगर वो लग्न के मित्र भी हो अगर वो लग्नेश के मित्र हो जो लग्न का स्वामी है उसके मित्र बन जाएं तो वो बिल्कुल शुभ हो जाते हैं फिर उनकी दूसरी राशि कहीं भी हो उससे कोई लेना देना नहीं होता। पर ये सूर्य के मित्र नहीं है ना सर? हाँ शनि सूर्य के मित्र नहीं है इसलिए शनि इस कुंडली के लिए अच्छे ग्रह नहीं कहलाएंगे सम रहेंगे मतलब हाँ सम समझ लीजिए या थोड़ा वैसे समझ लीजिए मतलब पॉजिटिव ग्रह नहीं है इस कुंडली के लिए। हाँ। त्रिक भाव का कोई असर नहीं होगा? हाँ छठे भाव का असर आएगा ना इस पे देखिए आप देखिए अशुभ ग्रह हो जाएंगे ठीक है। राकेश जी यस पिछले वाले चार्ट में जाइए ना मैंने कॉम्बिनेशन बनाया हूँ शायद वो हेल्पफुल हो सबके लिए। कौन सा मतलब वाले में? पहले वाला चार्ट में जाइए ना मैं उसको हाँ जैसे कि अगर मेरे को बहुत फास्ट इसको यही वाला सिंह वाला सर सिंह लग्न वाला। अच्छा कुंडली बताऊं कुंडली दिखाऊं आपको ये? हाँ कुंडली दिखाइए सिंह लगन की। ये तो कर्क लगन की है कुंडली सिंह लगन की सिंह लगन की दिखा दीजिए मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ कैसे मतलब बहुत जल्दी देख सकते। पहला जो है पहला और 8 मंगल है सर जो पहला वाला है वो 9वें भाग में और 8वां जो मंगल है वो केंद्र भाव में मंगल मतलब अशुभ ग्रह है तो ये सबसे शुभ हो जाते हैं बिल्कुल। दूसरा आता है 2 और 7 हो गए शुक्र सर शुक्र तीसरे भाव में है और शुक्र केंद्र में भी है तो ये अशुभ हो जाते हैं सर। फिर आता है 3 और 6 जैसे कि 3 11वें भाव में और 6 दूसरे भाव में तो 3 का तो पक्का है कि वो तो अशुभ है लेकिन 6 का एसोसिएशन पे डिपेंड करेगा। हाँ तो लेकिन इसकी एक राशि अशुभ भाव में हो गई क्योंकि ये मैंने बताया था आपको कि दूसरे और 12वें भाव के स्वामी के लिए दो चीज डिपेंड करती है या तो एसोसिएशन या उसकी दूसरी राशि कहाँ पर है तो इसकी दूसरी राशि जो है वो अशुभ भाव में है 11वें भाव में तो इसलिए ये आपका अशुभ हो गया बुध। यस सर अब 4th नंबर पे जाएंगे तो 4th 12वें घर पे तो अशुभ हो गया
Yes. उसके बाद हमने छठा कवर कर दिया, सातवां कवर कर दिया, आठवां कवर, नौवां जो मेरा है जुपिटर, वो पांचवें भाग में केंद्र के भाव में, तो वो शुभ हो जाएगा। बिल्कुल। फिर दस, दस और ग्यारह हो गए शनि, शनि भगवान जी, शनि भगवान जी सिक्स में है और लगन में है, और वो सूर्य के दुश्मन है। हाँ। लगन में नहीं, सॉरी, सातवें घर में, सातवें घर में एक दूसरे के ऑपोजिट में बैठे हुए वो। हाँ। तो वो अशुभ हो गई राशि, अशुभ हो गए क्योंकि सूर्य के मित्र भी नहीं है वो। हाँ। और बारहवे में जो गुरु जी है जुपिटर है, चूंकि नौवे में वो ऑलरेडी केंद्र में है, त्रिकोण में है, वो त्रिकोण में ऑलरेडी उनकी राशि है, इसलिए वो शुभ हो गए। यस। तो ये इस कॉम्बिनेशन में करेंगे तो मतलब इजीली समझ में आता है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे कर सकते हो आप, एक आठ दो सात तीन छह, वही कर लीजिए जैसे आपको सही लगे उस हिसाब से कीजिए। जो मतलब, लेकिन तरीका बस ये है थोड़ा सा कि सूर्य से चंद्र से, मैंने इसलिए बताया कि सीक्वेंस आपको याद रहेगी थोड़ी सी देखने के लिए। सर मेरा लगन जी सिंह लगन, सिंह लगन है आपका? यस सर। हाँ तो ठीक है, सिंह लगन है तो आप अपने मंगल को पक्का कीजिए, मंगल आपका कलयुगकारी ग्रह है, आपके अंदर एनर्जी बहुत है। चलिए आगे चलते हैं, ये उसका सिंह लगन का तो हो गया, अब आते हैं हम कन्या लगन पे। अजय जी आप निकालिए जरा ऐसा कन्या लगन का, कौन से मित्र हैं, कौन से शत्रु हैं, कौन से शुभ ग्रह हैं, कौन से अशुभ ग्रह हैं। आप सब लोग भी निकालते रहिए ताकि मतलब उनके निकालने से आपको ये लगे कि हाँ आपका सही निकला है, क्योंकि ये निकालेंगे तो बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा आपको। शनि अपना माइक म्यूट रखिए, केवल अजय जी बोलेंगे निकालने पे दो मिनट के बाद। कर लिया सर। कर लिया है अजय जी, कर लिया आपने? थोड़ा थोड़ा किया है। सूर्य अशुभ हैं। एक मिनट, सूर्य आपने बताया अशुभ हैं, ठीक है। चंद्र अशुभ हैं। चंद्रमा आपने बताया, चूंकि ये ग्यारहवें भाव के स्वामी हैं, त्रिष्ठाय भाव है तो ये अशुभ हैं, ठीक है। बुध हैं, क्योंकि लग्नेश हैं तो वो शुभ हैं। बिल्कुल ठीक। पुण्योकारी होंगे बुध? नहीं, बुध पुण्योकारी ग्रह नहीं कहलाएंगे, बुध लग्नेश है ना, तो बुध लग्नेश को पुण्योकारी ग्रह नहीं बोलते। बृहस्पति क्योंकि केंद्र में आ गए 9 और 12, तो ये अशुभ हो गए। बिल्कुल। और सर अभी यहीं तक पहुंचा हूँ, शुक्र शनि तक कर रहा हूँ। शुभ है, शनि भी शुभ है, शुक्र भी आप देखिए, शुक्र की एक राशि त्रिकोण में है। हाँ, तो वो भी अशुभ हो गए, वो भी शुभ हो गए, त्रिकोण में राशि शुभ हो गए, वो शुभ हो गए। और शनि भी शुभ है? नहीं, शनि अशुभ है, शनि अशुभ, हाँ शनि दोनों में, हाँ शुभ हो गए, शुभ हो गए दोनों में, शनि शुभ है। शनि शुभ हो गए, क्लियर हो गया यहाँ तक? बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं है? चलिए ये वही है, एक कुंडली और कर लेते हैं। अब कौन करेगा, किसने नहीं करा, छूट गया किसी का? हेमलता जी हैं क्या? नहीं है, अच्छा शायद वो आने रही हैं एक दो क्लास से। सर। अच्छा हेमलता जी हैं, अरे हाँ अरे आपको तो, अच्छा अच्छा हाँ, आप बताइए हेमलता जी इस कुंडली के बारे में थोड़ा, दो मिनट लीजिए, बताइए कौन कौन ग्रह कैसे हैं। सही लगा ना, तो कहीं चल रहा है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस तो आएगी, लेकिन शंकर जी हेमलता जी को बताने दीजिए थोड़ा, आपका तो ओके सर, ओके सर।
सर हो गया। हाँ हेमलता जी बताइए, आप सूर्य का बताइए पहले। सूर्य अशुभ है सर। सूर्य अशुभ है क्योंकि ग्यारहवें ग्यारह भाव उसके पास आ रहा है, त्रिज्याय भाव है। ठीक है, चंद्रमा भी अशुभ है सर। चंद्रमा भी अशुभ है क्योंकि केंद्रादि पे दोष लग गया उस पर। ठीक है, मंगल भी अशुभ है सर। नहीं है, मंगल तो शुभ होगा। तो शुभ है, केंद्र में है, एक और दो में है, तो केंद्रपति दोष अशुभ होंगे सर। शुभ रहे का काम करेगा ना, क्योंकि लग्नेश का केंद्र मंगल जो है लग्नेश का मित्र नहीं है ना, शुक्र का मित्र नहीं है। अशुभ हो गए। हाँ अशुभ होगा इसलिए। और सर बुध शुभ होगा। बुध शुभ होगा, बुध आपका तीन। हाँ बिल्कुल ठीक है, त्रिकोण में है। और गुरु सर अशुभ होगा। गुरु अशुभ होगा, यस। नौ बारह। और शुक्र भी अशुभ होगा सर। नहीं सर, शुक्र तो शुभ होगा। नहीं है तो वो तो शुभ ही होगा ना। शुक्र शुभ है, केंद्र में, केंद्र में ना शुक्र। हाँ शुक्र लग्नेश है ना, तो लग्नेश तो शुभ ही होता है। हाँ सर शुक्र शुभ है, शुक्र शुभ है। और शनि, शनि शुभ होगा सर। बुध भी शुभ हो गया, बता दिया उन्होंने, तो ये बिल्कुल ठीक बताया है इस कुंडली में। एक कुंडली और ले लेते हैं, उसके बाद बाकी कल सुबह लेंगे। थोड़ा आप भी थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा इसको, और एकदम ज्यादा से दिक्कत हो जाएगी। सभ्य सांची जी आप थोड़ा बताइए इसके बारे में, कुंडली के बारे में। सर 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 हाँ सॉरी सर, आई हैव टू टेक अ लीव सर, माय मदर इज नॉट वेल, आई हैव टू टेक हर टू द डॉक्टर। कोई बात नहीं, आप जाओ। हाँ जी सर, इन माय एब्सेंस माय डॉटर विल बी देयर, शी विल बी इन द क्लास एंड टेकिंग नोट्स व्हाटएवर शी कैन, आई विल जस्ट गाइड हर। सो आई लास्ट स्लाइड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लास्ट स्लाइड ही है अभी। अच्छा सर ठीक है, आई विल वेट फॉर सर, आई एम वेट कर लेता सर। दो मिनट वेट कर लीजिए आप, फिर लास्ट स्लाइड है आपकी। राइट सर, राइट सर। सभ्य साची जी पढ़ रहे हैं आप इसको? सर बोला बोला, एक मिनट। हाँ हाँ देख लो सर। सन जो है बेनिफिक है। सन बेनिफिक है, क्यों बताइए सर? सन क्योंकि आपका टेंथ लॉर्ड है। टेंथ लॉर्ड है और पाप ग्रह है, इसलिए बेनिफिक हो गया ये। ठीक है exactly, हाँ। सर हो गया सर। उसके बाद मून जो है वो बेनिफिक है, बेनिफिक है, त्रिकोण हाँ, का मालिक है, त्रिकोण का मालिक है हाँ। उसके बाद सर जुपिटर जो है वो भी बेनिफिक है क्योंकि वो एक त्रिकोण का लॉर्ड है और एक आपका नाइन्थ का लॉर्ड, सेकंड का लॉर्ड है और वो लग्नेश का मित्र है। लग्नेश का मित्र है और वो फिफ्थ का लॉर्ड भी है, त्रिकोण में एक राशि आती है उसकी, इसलिए वो बेनिफिक है। वो बेनिफिक हो गया ठीक है। उसके बाद मार्स जो है बेनिफिक है। बेनिफिक है, लग्नेश हो गया हाँ सर। उसके बाद शुक्र वीनस, वीनस जो है वो मालिफिक होगा। मालिफिक होगा ठीक है। And also depends upon association. Yes. ठीक है। और बुध बताइए। बुध जो है वो है मालिफिक क्योंकि वो एट्थ का लॉर्ड है और त्रिशड आया, मतलब ग्यारह भाव स्वामी है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये आपने एकदम सही बताया। आठ नंबर आठ ये राशि साची जी। और सैटर्न, सैटर्न सर, सैटर्न जो है वो बेनिफिक होगा, वो शुभ है, बेनिफिक होगा, शुभ होगा, अशुभ अशुभ। सोचिए सैटर्न पे सोचिए, अशुभ होगा, शुभ होगा। सैटर्न पे केंद्र के हिसाब से तो ये शुभ बनता है, लेकिन ये लगन का मित्र नहीं है ना, मंगल का मित्र नहीं है शनि। ठीक है सर, ठीक है हाँ। तो इसलिए ये अशुभ ग्रह कहलाएगा क्योंकि इसमें एक राशि तीन नंबर में आ रही है, तीन नंबर में एक राशि इसकी आ रही है और ये लगन का मित्र भी नहीं है, तो ये अशुभ ग्रह बन गया। तो सर प्रायोरिटी इसमें लगन के मित्र को दी जाती है। लगन के मित्र को, तो आपको मैं अगर सारा बताऊं खेल पूरा,
अजय जी, मैं जानबूझ के नहीं बता रहा हूं, आप ताकि निकालना सीखें। आप ये समझ लीजिए कि जो भी लगन के मित्र हैं वो उस कुंडली के लिए शुभ, और जो उस लगन के मित्र नहीं है वो उस कुंडली के लिए अशुभ। एक फार्मूला ये याद रखिए, हाँ, लेकिन ये फार्मूला याद मत रखिए इसको। अच्छा, ठीक है ना, नहीं तो आप अपने आप से नहीं कर पाएंगे फिर इस चीज को। ठीक है, ये केवल चेक करने के लिए है सर। ऐसे फॉर्मूले मत दीजिए, फिर हम लोग चोर हो जाएंगे। हाँ, वो चेक नहीं कर पाएंगे ना फिर उसके लिए। मैंने आपको वैसे ही बता दिया है, करने के चक्कर में फिर फटाफट वो इससे ये समझ में आ गया कि लग्न के जो मित्र हैं उनको प्रायोरिटी टॉप मोस्ट है बस। यस यस यस, ठीक है। तो अब आप ऐसा कीजिएगा, अब हम यहाँ खत्म करते हैं, सबको समझ आया होगा। आप लोग सब ऐसा कीजिएगा, देखिए तीन तीन कुंडली आप सिलेक्ट कीजिएगा, कोई भी तीन लगन की। हर मतलब स्टूडेंट जो है वो तीन कुंडली सिलेक्ट करेगा, चाहे वो पांच नंबर की, छह नंबर की, सात की हो, या कोई भी तीन लगन सिलेक्ट कर ले, और उसके अंदर वो उसके मित्र और शत्रु बता के भेजे, बना के भेजेगा, व्हाट्सएप करेगा। हम क्यों नहीं कर ले, रेस्ट ऑफ दी जन्म पुत्र जो भी लगन बचे हैं उनके हम निकाल के रखते हैं ना, कल हम आपको बताएंगे फिर। चलो ऐसे कर लो, दैट इज बेटर ना, ये सही है। लगन का निकालो, थोड़ा फास्ट हो जाएगा। हाँ सही है, ठीक है। यस, तो आज ही विदा लेते हैं, कल मिलेंगे सुबह 11 बजे। ओके नमस्कार राकेश जी, गुड नाइट। मेरे को प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर खरीदवा देना सर। ठीक है, आपको बता दूंगा मैं, कल बात कर लेंगे आपसे, आप उससे बात कर लीजिएगा अलग से। ठीक सर, ठीक। और बाकी देखिए, बाकी लोग भी आप सारे सॉफ्टवेयर डाल लीजिए, चाहे पायरेटेड डालिए, क्योंकि सर लॉन्ग टर्म तो प्रोफेशन में जाना ही है। हाँ, लॉन्ग टर्म में जाना है, लेकिन अभी चूंकि थोड़ा आपको तो थोड़ा स्टार्ट काफी आप आगे हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी बाकी लोग थोड़ा स्टार्टिंग में है, तो उनके लिए तो पायरेटेड सॉफ्टवेयर ही डल जाए उसमें, या कुंडली वाला जो बताया अभी, एक हिंदू पंचांग बताया मैडम ने कि हिंदू पंचांग होता है वो मोबाइल के अंदर, वो डाल लीजिए। अस्ट्रोसेज है वो डाल लीजिए, कोई भी डाल लीजिए, और लैपटॉप में डाल लीजिए, मतलब। लेकिन अब कुंडली बनाना सीखिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, टाइम ऑफ बर्थ डालिए, प्लेस ऑफ बर्थ डालिए, कुंडली बना के देखिए, और फिर देखिए किस आदमी की कुंडली क्या बनती है। आपको अपने घर में कुछ लोगों की डेट ऑफ बर्थ मालूम होगी, टाइम ऑफ बर्थ मालूम होगा, प्लेस ऑफ बर्थ मालूम होगा, आपके पास सॉफ्टवेयर है, आप तीनों चीज डालिए उसके अंदर, देखिए कुंडली कौन से लगन की बन के आती है, फिर देखिए उस कौन से लगन की कुंडली बनती है, उसमें कौन से ग्रह मित्र अच्छे बनते हैं, कौन से ग्रह उसके अंदर अशुभ बनते हैं, तो वो आपको आइडिया लगेगा, यार ये ग्रह इसके लिए अच्छा है, ये ग्रह इसके लिए अच्छा नहीं है।